हकीम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक इमेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने आईफोन में एंड्रॉइड फोन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिस ऐप के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो ऐप है एनीडेस्क। एनीडेस्क के ऐप के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली काफी वीडियोज में बताया कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड फोन में, यानी कि एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड फोन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने काफी सारी वीडियोज बताई हैं। इसके लिए स्पेशल मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें काफी सारी वीडियो, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बेहद जरूरी बात जो आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिमोट कनेक्शन बनाने के लिए आपको अपने दोनों फोन में एनीडेस्क ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आईफोन में आप ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉयड फोन में गूगल प्ले स्टोर से। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, दोनों ऐप्स को मैं ओपन करूंगी। तो जैसे ही हम दोनों ऐप्स को ओपन करते हैं तो आपके एंड्रॉयड फोन में सबसे पहले आपके पास ओपन होता है KLMS एजेंट, जिसे आपको यहाँ से कंफर्म करना है और एग्री करना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास एक डायलॉग ओपन होता है प्राइवेसी स्टेटमेंट का, यहाँ से आपको ओके प्रेस करना है। नेक्स्ट है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्रेस ओके। ये देखिए, नीचे अपने आप यहाँ पे शो कर रहा है आईफोन iOS और यहाँ पे ये सैमसंग का फ़ोन शो कर रहा है। यहाँ पे वो डिवाइस शो होंगे जो सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट है। तो ये दोनों फोन्स मेरे सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। तो हमारे पास ये जो UI है ये आईफोन का है। तो यहाँ से अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो लगा सकते हैं, टेक फोटो, यानी कि कैमरा ऑन हो जाएगा, आप अपनी फोटो लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज सिलेक्ट फोटो, अगर फोन में से लगाना है तो यहाँ से सिलेक्ट फोटो को प्रेस करेंगे और अपनी फोटो लगा लेंगे। आगे अगर फोटो लगाने के बाद रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये आपके फोन की ID है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये एड्रेस है, यहाँ पे अगर आप इस ID की जगह कोई नाम देना चाहते हैं तो चूज एलियास करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। नेक्स्ट है कॉपी एड्रेस, अगर इस एड्रेस को आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी एड्रेस कर सकते हैं। जिस सिस्टम के साथ या जिस डिवाइस के साथ आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं उस डिवाइस में अगर एनीडेस्क ऐप नहीं है और आप इनविटेशन सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं इन्विटेशन, कैंसिल। नेक्स्ट है रिमोट एड्रेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एड्रेस आता है रिमोट फोन का जिसके साथ आपने कनेक्टिविटी बनानी है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिखने की बजाय अगर मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए फ्रेंड्स ये सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट है, तब ऐसा और है। जब सबसे पहले आप कनेक्टिविटी बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, जिसे आपने यहाँ से अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो इसे आप टिक करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि दूसरे फ़ोन में आपका डिवाइस जो है वो ओपन हो जाएगा और वो कुछ भी यूज़ कर सकता है। जैसे आपने उसको स्टार्ट किया तो आपके से एक और डायलॉग ओपन हो गया, इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, जिसे आपने एक्सेप्ट करना है। तो फ्रेंड्स, तीसरी बार फिर से डायलॉग ओपन हुआ है जिसमें आपको बताया गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद एनीडेस्क, स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कनेक्टिविटी बन चुकी है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, कनेक्शन उसी के साथ बनाना, उसी यूज़र के साथ जो ऑथेंटिकेट हो, जो ऑथराइज्ड हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो आपका नोन हो कि आपके डाटा को वो हैक नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो रिमोट कंट्रोल ऐप्स हैं इससे हैकिंग होती है, लेकिन फ्रेंड्स हैकिंग अगर आप चाहोगे तभी होगी, क्योंकि ऐप ने तो 3 बार आपको यहाँ पे अलर्ट दिया है कि कनेक्शन बन रहा है और ये काम होगा। वो आपके दिमाग में है कि आपने क्या करना है, अपना डाटा एक्सेस करने देना है या नहीं करने देना। तो चलिए फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी बन चुकी है, मैं आपको आगे की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ से हम बैक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम दूसरे फ़ोन को अपने फ़ोन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगी कि जब हम एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड कनेक्टिविटी बनाते हैं एनीडेस्क ऐप में तो वहाँ पे हमें प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। रिमोट फ़ोन में जब रिमोट फ़ोन को हमें अपने फ़ोन में एक्सेस करना होता है तो हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब हम एंड्रॉयड फ़ोन में प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते तो हम दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में सिर्फ रिमोट शेयरिंग कर सकते हैं, वहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग होती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जब भी आप इसमें प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उस तब भी आप रिमोट फ़ोन को अपने फ़ोन में आईफोन में एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस पूरे फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप कुछ भी चला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं यहाँ पे YouTube चलाऊंगी।
यहाँ पे सर्च करते हैं टेकीमेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम टेकीमेज को सर्च किया है, इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी वीडियो यहाँ पे ओपन करेंगे तो उसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यह आवाज़ है सिर्फ वो एंड्रॉयड फ़ोन में ही है और वो इस फ़ोन में नहीं आ रही, तो इसका मतलब जो ऑडियो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन की ऑडियो है वो आप अपने आईफोन में सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आप बैक करेंगे, एनी डेस्क ओपन करेंगे, ये आपने एनी डेस्क ओपन किया हुआ है रिमोट फ़ोन का, तो यहाँ पे आप एनी डेस्क ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो मेन्यू आइकन है इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है जिसे प्रेस करना है, यहाँ पे आपको एनेबल करना है ऑडियो ट्रांसमिशन, तो एनेबल हो चुका है जहाँ पे, यहाँ पे आप अलाउ करेंगे वाइल यूजिंग दिस ऐप। तो फ्रेंड्स देखिए ये एनेबल हो चुका है लेकिन ऑडियो अभी भी नहीं आएगी, इसके लिए आपको पहले कनेक्शन को डिसकनेक्ट करना होगा। तो कनेक्शन को डिसकनेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आईफोन में जब हम वो जो मेन्यू आइकन है वो किस तरह से आता है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से या तो आप ऐसे करेंगे प्रेस, ये देखिए लेफ़्ट से या फिर राइट से आप प्रेस कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे मेन्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ से देखिए मैं पहले आपको मेन्यू के बारे में बताती हूँ, उसके बाद कनेक्शन डिसकनेक्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं इसको लॉन्ग प्रेस करती हूँ, स्वाइप करती हूँ लेफ्ट साइड से, तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ से सेशन की सेटिंग के बारे में पता चलता है, ये फाइल मैनेजर है नेक्स्ट, तो यहाँ पे कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्शंस, क्या क्या एक्शन इसमें परफॉर्म होते हैं। एक्शन में सबसे पहले आता है टॉगल चैट व्यू, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। आगे शो सिस्टम इन्फो, जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है यहाँ से शो हो जाएगी। यहाँ पे स्टार्ट सेशन रिकॉर्डिंग, तो फ्रेंड जो सेशन में अब काम चल रहा है अगर आप वो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सेशन की रिकॉर्डिंग करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, सेशन की रिकॉर्डिंग ये चल रही है, हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे उस सेशन में ये सब कुछ सेव हो जाएगा। तो अब इस सेशन की रिकॉर्डिंग को हम यहाँ से पॉज कर देते हैं, ये देखिए यहीं से इसको पॉज कर देंगे तो ये स्टॉप हो चुका है। अब आपने ये अगर सेशन की रिकॉर्डिंग देखनी है तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहाँ आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए, ये सेशन रिकॉर्डिंग है, आगे रिमोट रिस्टार्ट है, ये हमारे पास जो कुछ ऑप्शंस है जो इसमें डिसेबल है वो हमारे सिस्टम के साथ चलते हैं, ये मोबाइल डिवाइस के साथ नहीं चलते। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कि इसको क्लोज कैसे करना, तो यहाँ से आप इसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सेशन का क्लोज करने का क्यों बताया, क्योंकि सेशन क्लोज करना है उसके बाद ही हम ऑडियो को वहाँ सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब दोबारा से कनेक्शन बनाएंगे, तो यहाँ से कनेक्ट पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव लॉग इन डिसअलाउड, क्या आपको समझ आया ऐसा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास रिमोट फ़ोन में ऐप ओपन नहीं है। ऐप ओपन होगी उसके बाद आप कनेक्टिविटी बनाएंगे, दोबारा से देखें इनकमिंग रिक्वेस्ट है जिसे आपको एक्सेप्ट करना है, फिर से स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आया। तो फ्रेंड्स देखिए आवाज़ जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होगी क्योंकि दोनों फ़ोन्स बहुत नज़दीक हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं यूट्यूब चलाती हूँ, तो ये देखिए यहाँ से मैंने एक्सेस किया, अब ये दोनों फ़ोन्स में सुन रहा है। तो फ्रेंड्स ये आवाज़ दोनों फ़ोन्स में आ रही है, तो इस तरह से हम ऑडियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम पे आपके जो फ़ोन चल रही होगी, जो फ़ोन की जो कॉल है उसकी आवाज़ आप नहीं सुन सकते। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ चलते हैं, मैं यहाँ से ये ऑडियो ऑप्शन बंद करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस फील हो रही है। तो फ्रेंड्स ऑडियो बंद हो चुकी है। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताना था कि जो सेशन की रिकॉर्डिंग आपने की है वो कहाँ से हो रही है, तो यहाँ से कनेक्शन को हम डिसकनेक्ट करेंगे, क्लोज सेशन। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो यूआई है इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेकिन मैंने आपको इसके मेन्यू आइकन के बारे में नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे नेविगेशन ड्रॉअर जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है सेशन रिकॉर्डिंग्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग की है वो ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए जो भी अभी आपने रिकॉर्ड किया था वो सब इसमें सेव हो चुका है। ये सेशन के टाइम पे आपने रिकॉर्डिंग की है, अभी मैं आपको और भी बताऊंगी कि आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड इनकमिंग सेशन एट द सेशन स्टार्ट, ये तब होगा जिस तरह से जब दूसरा फ़ोन
आपके फोन को अपने दूसरा यूजर आपके फोन को अपने फोन में एक्सेस करना चाहता है, तो आप देख वहां से इसे जब ऑन करेंगे तो उधर से जब रिक्वेस्ट आएगी शुरू से लेके एंड तक का प्रोसेस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आउटगोइंग सेशन एट द सेशन स्टार्ट। ये क्या है आउटगोइंग सेशन, यानी कि जब आपके तरफ से कनेक्शन की रिक्वेस्ट उधर जा रही है तो उस टाइम पे अगर आप सारी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर देंगे, रिकॉर्डिंग सारी सेव होगी सेशन रिकॉर्डिंग्स में, तो आप यहाँ से कोई भी अपनी रिकॉर्डिंग जो है अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आता है एनी डेस्क एड्रेस, यहाँ पे एनी डेस्क का एड्रेस आपको बताया गया कि क्या आईडी है और एलियास की क्या आईडी है, या फिर दोनों सेम होता है। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल, एनी डेस्क का अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो ऐप ट्यूटोरियल से, मतलब इस ऐप को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। एक तो होता है दोनों के दोनों फोन्स में अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे आप दूसरे फ़ोन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बताया गया अगर आपने आईफोन को कंप्यूटर के साथ एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इस ऐप ट्यूटोरियल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे है अबाउट एनी डेस्क, एनी डेस्क के बारे में कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है तो यहाँ से उसके लिए आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक ऑडियो का ऑप्शन है, एनेबल प्लेबैक एनेबल ऑडियो ट्रांसमिशन। जब दूसरा यूज़र आपका फ़ोन एक्सेस कर रहा है और उसको आपके फ़ोन के ऑडियो चाहिए तो उस टाइम पे आपको ये दोनों ऑप्शन को एनेबल करना होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल ही रहते हैं। तो ये जो शो रिमोट कर्सर है, ये फ्रेंड्स जो ये डिस्प्ले में जो ये भी है, ये सारा कुछ हमारा सिस्टम के साथ है, जो ये मोबाइल डिवाइस का नहीं है, जब सिस्टम के साथ काम करना होता है उस टाइम पे हम ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए यही है, ये है हमारा आईफोन के एनी डेस्क का यूआई जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो एंड्रॉयड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप एंड्रॉयड फ़ोन में जो ये एनी डेस्क का जो यूआई है या एनी डेस्क की क्या क्या सेटिंग्स हैं, या फिर आप इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, इसकी क्या क्या सेटिंग्स हैं, ये देखिए जिस तरह से ये नेविगेशन ड्रॉअर में सब कुछ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, इसकी एक पूरी एक प्ले लिस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने आईफोन में एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कनेक्शन बनाएं एक ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही बनाएं, एक ऑथेंटिकेट यूज़र के साथ बनाएं, अननोन के साथ कोई भी कनेक्शन ना बनाएं, क्योंकि हैकिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। दैट्स इट, थैंक यू।